हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अफगानी सलवार की मूरी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जितनी आपकी लंबाई रखनी है मूरी का, ऐसे एक टुकड़ा कट कर लेना है, उससे एक एक इंच एक्स्ट्रा रखना है। जैसे मैंने ये 17 इंच लिया है, तो मेरी मूरी की जो लंबाई रहेगी वो 14 इंच रहेगी, तो ये दोनों साइड 1-1 इंच एक्स्ट्रा है। और जो ये कपड़ा है, ये हमें इससे देखिए लंबाई में तो इससे थोड़ा सा फालतू लेना है, जैसे एक इंच एक्स्ट्रा हो गया, और यहाँ से हमें इसको डबल लेना है। देखिए डबल लेना है, क्योंकि हम ये जो पट्टी है इसके ऊपर, देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए, और इसके ऊपर फिर हम इसको ऐसे अटैच करेंगे। देखिए इसको हम अंदर की तरफ डालेंगे, अपनी जो ये बुकरम रहेगी उसको हम अंदर की तरफ डालेंगे। और देखिए इसके ऊपर ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला, इसको हम थोड़ा कम रखेंगे, और नीचे वाले को एक्स्ट्रा रखते हुए मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन पे दोनों पे सिलाई लगा ली है, और ये देखिए एक एक तरफ मैंने इसके एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बीच में से फोल्ड करके और इसके सेंटर पॉइंट पे हम ऐसे एक निशान लगा लेंगे दोनों के। देखिए मैंने दोनों के सेंटर पॉइंट में निशान लगा लिए हैं। अभी हम जो ये कपड़ा है हमारा अफगानी सलवार का, इसको हम नीचे से फोल्ड करके इसके भी सेंटर पॉइंट पे हम ऐसे कट लगा लेंगे। सबसे पहले हम एक वाला मूरी वाला पार्ट लेंगे और इसको खोलेंगे। देखिए ये सेंटर में हमारा कट है, सेंटर में। अभी हमें क्या करना है, जो हमने एक्स्ट्रा वाला कपड़ा ले रखा है उसको ऐसे रखना है, और जो ये हमने कम वाला कपड़ा लिया है, देखिए फ्रेंड्स ये कपड़ा जो हमने ज़्यादा लिया है वो ऊपर आएगा, और जो कम वाला कपड़ा है उसको सेंटर पॉइंट से हम यहाँ मिला के, देखिए, और इसको मशीन के नीचे ले आएंगे। देखिए मैं इसको नीचे मशीन के नीचे मैंने इसको दाब दिया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम ऐसे छोटे छोटे बल बनाएंगे। पहले हम हाफ इधर बनाएंगे और हाफ फिर ऑपोजिट साइड मशीन को लेज के उधर बनाएंगे। देखिए ऐसे छोटे छोटे बल डाल लूँगी मैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बल डाल लिए। अब हम ये कपड़ा लेंगे जो हमारा ऊपर आएगा ज़्यादा वाला कपड़ा, और नीचे हमारा छोटे वाला कपड़ा आएगा, और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए, और फिर से हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसके फिर से बल बनाएंगे। देखिए, और फिर हम इसके साथ, देखिए ये पूरा जा रहा है बिल्कुल, और इस पर हम सिलाई नीचे उतार देंगे इधर से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे एक तरफ के मूरी में बल बनके तैयार हो गए हैं, जो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम यहाँ से इस तरफ ऐसे फेस करके अब हम इस तरफ ऐसे बल डालेंगे, मशीन को इस पे से उतार लेंगे। देखिए मैंने दूसरी साइड मशीन एक पोर्शन में मैंने डाल दिए, ये दूसरे वाला पोर्शन है। अब हम इसको ऐसे पीछे हटा के इधर से भी हम बल डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों जो बल डालते हैं उनका मुँह एक ही डायरेक्शन में होता है, इसमें ये ध्यान रखना है बस आपको। देखिए छोटे छोटे बल डालेंगे। देखिए मैंने ये बल डाल लिए हैं। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, इस साइड भी हमारा ये ऊपर वाला कपड़ा ऊपर रहेगा ज़्यादा वाला, और ये बचे जो कपड़ा है उसमें भी मैं बल डाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमारे कितने सुंदर बल बन के तैयार हुए हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हम उल्टी तरफ लेंगे, देखिए ऐसे, और जो ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा था उसको ऐसे ये बल वाले कपड़े अंदर डाल के, देखिए, और ऐसे करके मैं इस पर एक गुम सिलाई लगा दूंगी। देखिए ऐसे करके, देखिए फ्रेंड्स, ये इससे फिर ये नहीं पता चलेगा कि हमने सिलाई कहाँ पे लगाई है, और कोई ना ही कोई कपड़ा दिखाई देगा। देखिए मैंने इस पर दबोवा सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए, और इसके यहाँ मैं निशान लगाऊंगी अपने सलवार की मोहरी की लंबाई का। देखिए मैं अपनी 7 इंच की मूरी रखूंगी, आप चाहें तो कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। देखिए, और ये एक स्ट्रेट लाइन नीचे 7.5, देखिए ऐसे, और अभी मैं अपने सलवार के मूरी में सिलाई लगा लूँगी 7.5 इंच पे, और नीचे की तरफ 7.5 इंच। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये मूरी बन के तैयार हो गई है अफगानी सलवार की। देखिए दोनों, बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।